Hello friends, this is Dhruv Kumar Jha and welcome to my channel Help and Support. ये देखिए दोस्तों, मेरा सिस्टम BIOS पासवर्ड लॉक हो रखा है और मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ. अभी मेरे को अगर इसको खोलना है तो मेरे को इसका पासवर्ड पता होना चाहिए, जो कि मेरे को पता नहीं है. मैं इसको भूल गया हूँ, तो अभी एक दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसका पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं हार्डवेयर के माध्यम से. आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के तरीके से हम किसी भी विंडोज़ का बायोस पासवर्ड, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट जो जिसमें हम सिस्टम है उसमें हम जो पासवर्ड डालते हैं उसके बगैर हम सिस्टम में आगे बढ़ नहीं सकते हैं. तो ये देखिए, मैंने एंटर मार रहा हूँ और ये देखिए, ये हमारा सिस्टम खुल नहीं रहा है. अगर मैं तीन बार मारता हूँ तो ये इस तरीके से लॉक हो जाता है. तो आइए मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने सिस्टम का बायोस पासवर्ड कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने कैबिनेट को खोल के मदरबोर्ड से. तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको इसके बारे में जानने की इच्छा है. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको. तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना सिस्टम खोल दिया है और इसमें हमको जैसे बायोस कैसे रीसेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, बायोस की बैटरी है इधर और ये वाला जो पिन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बायोस जम्पर. तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि बायोस की बैटरी से हम कैसे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम जितने पावर सोर्स हैं उसको निकाल देंगे, ठीक है, जिससे कि पावर हमारे किसी भी कैपेसिटर, जो मदरबोर्ड की कैपेसिटर है, इनमें कहीं भी पावर ना रहे. ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बायोस की बैटरी निकालते हैं. सबसे पहले ये रही बायोस की बैटरी, इसको हमने निकाल दिया और इसका हमने 30 सेकंड वेट करना है. देखिए दोस्तों, एक्चुअल नॉलेज कम होने की वजह से लोग मैकेनिक के पास चले जाते हैं, जबकि ये काम हम खुद कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बायोस जंपर से कैसे हम पासवर्ड, अगर इससे नहीं होता है तो हम ये बायोस जंपर से कैसे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं. ये अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से डिपेंड करता है. किसी में बायोस की बैटरी निकाल को 30 सेकंड रखने से बायोस रीसेट हो जाता है, उसका पासवर्ड रीसेट हो जाता है. किसी में बैटरी निकालने से नहीं होता है तो बायोस जंपर से हमको करना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ. अगर इससे हो जाता है तो भी बताऊँगा और नहीं होगा तो भी बताऊँगा. तो हम बायोस की बैटरी वापस लगा देते हैं. लगा दिया हमने और अपना मॉनिटर लगा देते हैं और पावर दे देता हूँ. तो देखते हैं दोस्तों अभी क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है. देखिए मदरबोर्ड में लाइट आ चुकी है, मॉनिटर में आ गई है. अभी हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम. ये देखिए दोस्तों, दिखा रहा है एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज वाज रिक्वेस्टेड टू डिसेबल डीएक्टिवेट, प्रेस F10 टू डिसेबल डीएक्टिवेट एंड ETPM, प्रेस एस्केप टू रिजेक्ट दिस चेंज रिक्वेस्ट एंड कंटिन्यू. तो हम क्या करेंगे,
F10 को दबाएंगे। अभी देखना दोस्तों, सिस्टम हमारा वापस रिस्टार्ट हो जाएगा और बायोस हमारा रीसेट हो जाएगा। नहीं हुआ है, बायोस रीसेट नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सिस्टम हमारा फिर से हैंग हो चुका है। तो अभी मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ कि बायोस को रीसेट कैसे करते हैं जंपर पिन से। फिर से हमने सिस्टम का पावर केबल निकाल देते हैं ताकि उससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके। अभी देखिए सिस्टम की मदरबोर्ड की लाइट अभी जा चुकी है। अभी हमने ये बायोस की ये जो पिन है इसको निकालते हैं। ये दो पिन है दोस्तों, 1 और 2 में रहती है, तो इसको हम 1 और 2 की जगह थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 1 और 2 में थी, इसको अभी मैं इसमें लगा देता हूँ 2 और 3 में। और अभी अपने सिस्टम को वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अभी हम बायोस के सेटअप के अंदर आ चुके हैं और हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं क्लियर बायोस पासवर्ड, रीसेट, अनलॉक इंटेल। तो हम क्लियर बायोस पासवर्ड पे एंटर करेंगे। क्लियर बायोस पासवर्ड और परफॉर्मेंस में जाके सिक्योरिटी में जाएंगे, सेट सुपरवाइजर पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता यूज़र पासवर्ड इनेबल्ड करके। तो चलिए फिर से हम देखते हैं रीस्टार्ट करके वापस जंपर पिन को 1 और 2 में सेट कर देंगे हम। ये हमने निकाला पिन और वापस 1 और 2 में लगा दिया। अभी देखते हैं दोस्तों कि हमारा सिस्टम आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये देखिए दोस्तों, अभी सिस्टम ने हमारा बायोस पासवर्ड नहीं पूछा और ये हमारा विंडोज ओपन हो गया ऑटोमेटिक। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, बायोस जंपर पिन से सेट हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा नाम है ध्रुव कुमार झा और आगे भी इस टाइप की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।